वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल सो इजी मैथ। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस आंसर की ऑफ मैथमेटिक्स पेपर क्लास 8th। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। देखो 41 क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी बाय डी। ठीक है, ए बाय बी प्लस सी बाय डी इज इक्वल टू जीरो। देखो बेटा, जो दो वैल्यूज़ का जोड़ ठीक है जीरो हो भी तो फस्ट रकम जी सैकेंड रकम आ फर्स्ट का की बनता बेटा जी, जोड़ात्मक उल्ट मीनस एडिटिव इनवर्स। तो आंसर क्यों बेटा जी, ए ऑप्शन। नैक्सट, कि प्रमेय संख्या लिए कि सही नहीं हैगी, आइडेंटिटी देखो बेटा कि नहीं होगी डिफरेंस, बिकॉज 3-4 इज इक्वल टू -1, 4-3 इज इक्वल टू 1, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है जी, नैक्सट, संख्या रेखा से इन्होंने कि अखर 5/3 दर्शाता है। देखो बेटा फस्ट देखो 0 तो लैके 1 तक किन्ने हिस्से ने अपने को 3, ए बन गया 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। सो अवर आंसर इज एच ऑप्शन, दैट इज़ क्लीयर जी। नैक्सट देखो 5/7 प्लस 5/14 इंटू 16/21। देखो बेटा जो अपन कैंसल आउट करते हैं, 2 दे टेबल ते ठीक है, तो अपने को कितना बन गया 5/7 प्लस 5 नू 1 ना किता जी 5, 7 नू 7 ना किता 49। 49 ऐसे ही मांगे बेटा जी, इतने कितना बन गया 49 नू 7 ते डिवाइड किता 7, 7 नू 5 ना मल्टीप्लाई किता 35, 49 नू 49 ते डिवाइड किता 1, 1 नू 5 ना मल्टीप्लाई किता जी 5, तो ऐड करके कितना आ गया 40/49। ठीक है जी, देखो कि ऑप्शन बन गया अपने को, डी ऑप्शन। नैक्सट, चतुर्भुज के वध तो वध 90 दे कोण किन्ने हो सकते हैं, किन्ने हो सकते हैं जी 4, जिमें रोमबस होगी, सॉरी बेटा जिमें अपने को रैक्टेंगल होगी आयत। ठीक है, जो सारे कोण 90 दे होंगे ने, नंबर 2 ते स्क्वायर वर्ग, ये भी सारे एंगल किन्ने होंगे ने बेटा जी 90 दे। सो आवर ऑप्शन इज डी। नैक्सट, किसी चतुर्भुज के बाहरी कोणा के मापा का जोड़ कितना होंगे हमेशा बेटा जी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ऑप्शन बी 360। एक सम चतुर्भुज दी किन्नी भुजावां होणगीआं जेकर बाहरी कोण का माप 24 डिग्री होवे। की फार्मूला होंगे बेटा अपने को, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना अपने को 24, इन पर डिवाइड करके कि आज अपने को 15। नैक्सट, चतुर्भुज लागवें कोण मतलब एडजेसेंट एंगल्स समांतर चतुर्भुज के ठीक है पैरलोग्राम के लागवें कोण मीनस दिस वन, ए और बी भी हो सकते हैं, बी और सी भी हो सकते हैं, सी और डी भी हो सकते हैं, डी और ए भी हो सकते हैं, कितना होंगे बेटा जी संपूरक, क्योंकि इन दोनों जोड़ हमेशा लागवें कोण का कितना होंगे बेटा 180, इट मीनस कि कोण हो गए संपूरक। नैक्सट, एक समांतर चतुर्भुज जिसका हरेक कोण 90 के माप का होंगे है उन्होंने की बोलते बेटा जी आयत। ठीक है, जो गिवन ऑप्शनस ने। नैक्सट, एन स्केयर तो एन प्लस 1 के विचकार किन्निया प्राकृतिक संख्यावान होंगे ने बेटा जी 2n। नैक्सट, हेठ लिखिया विचों केड़ी संख्या की इकाई के स्थान पर 4 होगा। देखो बेटा यूनिट प्लेस में 2 times मल्टीप्लाई कर लो, जिमें 4 × 4 16 बन गया, 2 × 2 4 आ गया, 7 × 7 49, 5 × 5 25। यूनिट प्लेस से 4 चाहिए तो कि ऑप्शन आ गई बेटा जी अपने को, बी ऑप्शन, दैट इज़ क्लीयर जी। नैक्सट, हे लिखे संख्या विच एक संख्या का वर्ग जिस्त होगा, कि संख्या होगी बेटा वो जिस्त। ठीक है, ईवन नंबर का वर्ग भी की होगा ईवन नंबर, तो इन्हों में 4 ऑप्शन के विचों कि ईवन नंबर है जी, बी ऑप्शन, दैट इज़ क्लीयर। नैक्सट, हेठा लिखे संख्या विचों कि पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, बेटा कोई भी 2 स्मालर साइड्स लवो, जिमें फॉर एग्जाम्पल डी लें 2² + 3² 2 स्मालर साइड्स के स्केयर का जोड़ 2² 4 3² 9 कि बन गया जी 13, जिहड़ी लार्जर साइड आ स्केयर करो कि बन गया जी 16, दोनों इक्वल नहीं आए। ये देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज़ नॉट इक्वल टू सी स्केयर, इट मीनस जो डी ऑप्शन ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। नैक्सट, एक बाग विच 2025 पौधे इस तरह लगाए गए हैं कि हरेक लाइन
विच उन्ने पौधे होंगे हैं जिन्हें लाइनों की संख्या है। लाइनों की संख्या पता करो। देखो बेटा एक लाइन के उन्ने पौधे ने जिन्हें वह की ने लाइन ने तो पौधे की संख्या लाइन की संख्या किमें फाइंड आउट करांगे बेटा आप वर्ग करके ठीक है जी सॉरी स्केयर रूट फाइंड आउट करके वर्गमूल कि करांगे जी आप भी पच्ची का देखो फैक्टर बना लो ये फाइव तो गया ठीक है जी फिर फाइव तो गया बेटा थ्री तो गया फिर थ्री तो बेटा फिर थ्री तो पेयर 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 ठीक है ये बन गए फाइव इंटू थ्री मल्टीप्लाई कितना करके आ गया बेटा जी 45 सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नैक्सट 243 के घन के इकाई का अंक की होगा यूनिट प्लेस नंबर कढ़ना बेटा अपने डिजिट केड़ी है ये क्यूब का ये यूनिट प्लेस की है थ्री थ्री नू थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो कि आ गया 27 तो यूनिट प्लेस डिजिट कि आ गई बेटा जी 7। नैक्सट हे लिखे संख्या कि पूर्ण घन संख्या के गुण घन नहीं दर्शाता घन बना बेटा अपने क्यूब देखो थ्री पेयर थ्री पेयर थ्री 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 एच भी देखो बेटा थ्री थ्री पेयर ने सी ऑप्शन थ्री 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 एक फाइव बाकी बच गया मतलब पूर्ण घन कह नहीं है बेटा जी सी ऑप्शन ठीक है। नैक्सट वो सब तो छोटी संख्या पता करो जिस नाल 192 नूं वंडन ते भागफल एक पूर्ण घन बन जाए देखो बेटा 192 नूं पहला प्राइम फैक्टर बनावांगे ठीक है दो ते चला गया फिर टू ते फिर बेटा टू ते फिर डिवाइड किया फिर थ्री ते ठीक है अपन की बनाना पूर्ण घन पेयर पेयर कि भाग करांगे थ्री नंबर बेटा ये एक्सट्रा या मीनस केड़ी छोटी छोटी संख्या होगी थ्री ओवर आंसर इज बी ऑप्शन। नैक्सट एक तो लैके एक हज़ार तक किन्निया संख्यावान पूर्ण घन संख्यावान किनिया होंगे बेटा जी वन तो लैके 1000 तक 10 ठीक है जी। नैक्सट देखो बेटा ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर मीन 0.645 ए प्लस बी का स्क्वायर 0.355 का स्क्वायर इनू ऐड करके बन गया बेटा जी 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा जी 1 सो आवर आंसर इज ए ऑप्शन। नैक्सट ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इनू खोलोगे बेटा ए बन जूगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये कैंसल आउट हो गए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर सो आवर आंसर इज बी ऑप्शन। नैक्सट 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर द मुल पता करो बेटे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ए माइनस बी ए प्लस बी मीनस अपना आंसर बन जूगा 51 माइनस 49 51 प्लस 49 2 इंटू 100 मीन्स 200 इट्स ऑप्शन ए। नैक्सट बेटा ये फार्मूला बन जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला 49 पी स्केयर बन गया 7p का स्केयर 36 बन गया 6 का स्केयर मीन 7p माइनस 6 7p प्लस 6 केड़ी ऑप्शन आ गई बेटा जी ए ऑप्शन दैट इज़ क्लीयर। नैक्सट अपन बेटा लंबाई दिती हुई है चौड़ाई दिती हुई है आयत की रैक्टेंगल की खेत्रफल मीनस एरिया अपने फाइंड आउट करना की फार्मूला होंगे अपने को एल गुना पी मीनस 3mn इंटू 4np 3 नू 4 ना किता बेटा 12 एम एन 2 टाइम्स आ गया एन स्क्वायर इंटू पी इट्स ऑप्शन सी। नैक्सट 2 माइनस 3 का मुल की होगा 2 पावर माइनस 3 ये बन गया बेटा 2 पावर 3 ठीक है 1/2 नू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इंटू 2 कि बन गया अपने को 1/8 इट इज़ ऑप्शन ए। नैक्सट कोई भी रकम बेटा जिदी पावर 0 होंगी है वह आंसर कि हमेशा 1। नैक्सट देखो इस है बेटा अपने को 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर माइनस 5 इंटू 3 की 6 ठीक है
बेस सेम ने बेटा, मल्टीप्लाईकेशन का साइन आ तो पावरस की हो जाएंगे एडअप, टू प्लस माइनस फाइव प्लस सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, एट चो थ्री गए बेटा जी थ्री, थ्री नो थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कि आंसर आ जाए तो 27, इट्स ऑप्शन ए। नैक्सट देखो बेटा, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये देखो अपने को रकम है फाइव द एम डिवाइडेड बाय फाइव द माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव द फाइव, डिवाइड का साइन आम तो पावरस की हो जाएगी सबट्रैक्ट, ठीक है, माइनस माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव द पावर फाइव, फाइव द पावर एम प्लस थ्री, माइनस माइनस प्लस, फाइव द पावर फाइव, बेस इक्वल ने बेटा तो पावरस की होगी एडअप, एम प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, एम की वैल्यू कि आ गई फाइव माइनस थ्री, एम कि आ गया बेटा अपने को टू, इट्स ऑप्शन डी। नैक्सट ए दी 100 डिवाइड बाय ए द स्क्वायर दी वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा, डिवाइड का साइन आ तो पावरस की हो जाएगियाँ माइनस, तो कि आ गया ए दी पावर 98, इट्स ऑप्शन सी। नैक्सट देखो बेटा, पॉइंट टू पॉइंट तक थोड़ा पहला भी दसिया से, पर डिजिट्स काउंट करने ने किन्ने हो गए थ्री ते टू फाइव, ठीक है, कि ऑप्शन आएगी सी 3.5 इनू 10^-5। नैक्सट है बेटा, जेकर 2, 1, y, 5 नौ का एक गुणज है जिथे वाई एक अंक है तो वाई का मुल की होगा, तो बेटा की कर देने अपन नौ का चैक कर भी नौ तो डिविजिबल है कि नहीं है, अंकों का जोड़ मीनस 2+1+y+5, 2+1 3, 3+5 8, 8+y, हूँ 8+5 9 के टेबल पर होना चाहिए, तो वाई का मुल कि होगा बेटा जी 1, क्योंकि 8+1 कि हो गया 9, विच इज़ डिविजिबल बाय 9, सो ऑप्शन इज बेटा डी। नैक्सट जेकर कोई संख्या किसी एम नाल भागयोग है तो यह संख्या एम के डैश नाल भी भागयोग होगी, देखो बेटा कोई भी संख्या आ, ठीक है, मान लो 12 आ जो 6 से डिविजिबल आ, तो 6 के प्राइम फैक्टर की ने अपने को 2 ते 3, 12 2 ते भी डिविजिबल होएगा 3 ते भी, तो अपना आंसर क्या होगा बेटा जी ए ऑप्शन। नैक्सट जेकर भाग एन डिवाइडर 5 तो बाकी 3 प्राप्त होंगे है तो हेठ लिखे वजह कि 3 का एक मुल होगा, देखो बेटा 3 बाकी उदो प्राप्त होगा जो यूनिट प्लेस से की होएगा 3 होएगा ज 8 होएगा, फॉर एग्जाम्पल देखो 23 आ यूनिट प्लेस से 3 आनू 5 से डिवाइड करा तो 3 बाकी आ गया, सिमिलरली जो 28 नूं आपां 5 से डिवाइड करांगे तां वी अपने कोल बेटा जी 3 बाकी होएगा, तो इहदे विच ऑप्शन कि ढुकवी आ जी ए ऑप्शन। नैक्सट पी का क्यूब क्यों की 6, पी की 6 क्यों की क्यूब न पी की क्यूब क्यों की क्यों भाग किया तो दसना बेटा किन्ना आंसर आऊगा, देखो ये पी की क्यूब तो क्यों का क्यूब कॉमन कर लिया, ठीक है, तो इतने कि बच गया अपने को क्यों का क्यूब माइनस पी का क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब क्यू क्यूब, ए कैंसल आउट हो गया बेटा तो आंसर कि आ गया अपने को ए ऑप्शन। नैक्सट देखो सांझा गुणखंड की है, कॉमन फैक्टर की है बेटा 14 पी क्यू, क्योंकि 14 के टेबल दोनों आते हैं तो पी क्यू वन टाइम दोनों विच है, अगे सरबंग समता कि बेटा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये गुणखंड बनाने ने देखो बेटा 7 ए दोनों कॉमन निकल जाएगा, इतने ए आ गया 7 2 14 ए कॉमन निकल गया, सो ओवर ऑप्शन इज ए। नैक्सट इन प्रतिशत में बदलना बेटा किदा करांगे 2/5 × 100 डिवाइड करके 20 ने बेटा 2 ना मल्टीप्लाई किया 40%, ओवर ऑप्शन इज ए। नैक्सट एक वस्तु में डैश दिती जाने वाली छूट नू मीनस डिस्काउंट नू कटौती आखते हैं किते, तो कहते हैं बेटा अंकित मुल से कटौती किते होंगी अंकित मुल से मतलब मार्केट प्राइस। नैक्सट अंकित मुल मार्केट प्राइस अपन दिती हुई है, वेच मुल सैलिंग प्राइस है बेटा, कटौती प्रतिशत अपने फाइंड आउट करनी सी, पहला कटौती कढ़ा दोनों माइनस करके 840 - 714 कि आ गया बेटा देखो बेटा माइनस करके 126, ठीक है, फिर कटौती प्रतिशत बेटा कटौती जिनी आई है डिवाइडेड बाय अंकित मूल 840 × 100, ठीक है जी, इनू कैंसल आउट करके कि जो अपने कोल 15%। नैक्सट वहीदा दे कुल 10% टैक्स समेत 33 रुपए खरीदया है जी ए जी एस टी,
ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਐਕਸ ਮੁੱਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ 10% ਆਫ ਐਕਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3300। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। 0 0 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ 10, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 10x ਪਲੱਸ 1x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3300। 10 ਪਲੱਸ 1 11x ਬਾਈ 10 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3300। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 3300 ਇੰਟੂ 10 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3000। ਸੋ ਆਵਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।